हे व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सिद्धि गले और आप देख रहे हैं टेक्निफिटर्स। व्यूअर्स, आज बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल का एक छोटा सा एक्सरसाइज के बारे में, जिसका नाम है प्रेशर रिलीफ वाल्व, या शॉर्ट फॉर्म में इसको PRV बोला जाता है। तो व्यूअर्स, इसके बारे में पूरा डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा घर के बारे में बात कर लेते हैं। व्यूअर्स, आपका जो घर है उसमें आपका जो बेडरूम है, आप फॉलो किए होंगे कि आप जब भी बेडरूम का दरवाजा क्लोज करते हैं तो अचानक पर्दा हिल जाता है विंडो का। तो इसके लिए क्या होता है, घर में वेंटिलेशन रखने का बहुत जरूरत होता है। जो घर में 8 इंच बाय 8 इंच का छोटा 2 वेंटिलेटर रखा जाता है, या कोई पोजीशन ना होने के कारण 1 भी रखते हैं कम से कम, तो उस वेंटिलेटर का काम क्या होता है, जब भी आप दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा क्या करता है, जो 3 फीट बाय 6 फीट का होता है, तो इसमें जो जितना सेफ्टी हवा वो एक ही बार में खींचता है, उतना हवा वो वेंटिलेटर से क्या होता है, अंदर लेके आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपका विंडो में कोई इफेक्ट नहीं आता। तो अगर आपका घर पे जो एयर प्रेशर का थ्योरी काम करता है, तो ये कोल्ड रूम पे क्यों नहीं करेगा? कोल्ड रूम पे भी तो एयर प्रेशर का काम करता है, और घर से ज्यादा खास करके माइनस वाला जो कोल्ड रूम होता है उसमें ज्यादा एयर प्रेशर क्रिएट होता है। तो आइए पूरा डिटेल्स में इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो भी बस, ये जो डिवाइस है इसको नाम तो पहले ही बता दें, प्रेशर रिलीफ वाल्व, या PRV आप बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसका। इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया, मेरे हाथ में जो है ये फार्मेट कंपनी का है। तो इसका जो अलग अलग डिजाइन होता है अलग अलग पोजीशन के लिए, मेरे पास जो है ये 2220 मॉडल नंबर है। तो आपको ये चीज कोल्ड रूम पे लगाने के मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें आपका कोल्ड रूम अच्छा रहता है। तो अगर पॉप पैनल के रूम पे जो आप इसको नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे आपका घर का शीशा टूट सकता है, वैसा आप अगर माइनस के रूम पे नहीं लगाते या प्लस के रूम पे नहीं लगाते तो इसमें लीकेज आ जाता है। कैसे, जैसे कि आपने प्लास के रूम पर पहले बात कर लेता हूँ। प्लास के रूम पर क्या होता है, जैसे आप दरवाजा बंद कर, रूम पूरा अच्छे से काम कर लिया, पप्पा खूब अच्छे तरीके से लगाया, कोई लीकेज नहीं है, तो जैसे आप दरवाजा बंद करेंगे तो उसके अंदर जो एयर प्रेशर क्रिएट होगा वो निकलने का जगह नहीं रहेगा। इसमें 2 प्रॉब्लम आएगा, एक दरवाजा बंद होने के लिए प्रॉब्लम आएगा, और दूसरा है ऐसा रोज रोज प्रॉब्लम होते होते क्या होगा, पैनल का जो जॉइंट होता है, जो सिलिकॉन जहां मारा जाता है, एक मीटर दूर दूर जो पैनल का जॉइंट आता है, या वॉल टू सीलिंग जॉइंट, या वॉल टू वॉल जो कॉर्नर जॉइंट आता है, इसका सिलिकॉन छोड़ देगा, यहां से लीकेज चालू हो जाएगा, ऐसा प्लास का प्रॉब्लम दिखेगा। प्लास रूम पे आपको फिर दिखेगा नहीं कि लीकेज कहां से, लेकिन हर एक जगह से क्या होगा, आपको दिखेगा 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद से जी सिलिकॉन फट गया। आप सोचेंगे या तो सिलिकॉन खराब है या तो लगाने वाला खराब है। तो इसमें से दोनों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम हो जाता है ये एयर प्रेशर का ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। तो यार अगर निकलने का जगह आप नहीं रखेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम आएगा, और वहां से साल भर में आपका धीरे धीरे कूलिंग पास होता ही जाएगा। तो उससे बेहतर है इस रूम पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक छोटा सा डिवाइस लगा लीजिए, 1 पीस है 2 पीस, जो भी आपका सेफ्टी के अनुसार हिसाब आता है। तो उसके लिए लगा लेने से क्या होगा, जैसे आप दरवाजा बंद करेंगे हवा वहां से अंदर बाहर निकल जाएगा, और अगर दरवाजा खोलते तो वहां से हवा अंदर आ जाएगा। इस तरीके से आपका रूम ठीक रहेगा। अब आता है माइनस वाला रूम पे। माइनस का क्या सिस्टम होता है, जैसे ही आपका माइनस टेम्परेचर -1, -2, -3 ऐसा करते करते जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो उसमें क्या होता है, अंदर जो एयर रहता है कोल्ड रूम के अंदर जो एयर रहता है वो भी धीरे धीरे क्या होता है, प्रेशर घट जाता है। तो जैसे प्रेशर घटने लगता है वैसा बाहर का, मतलब कोल्ड रूम का बाहर से जो एयर प्रेशर है वहां तो ज्यादा है प्रेशर, अंदर का घट गया तो बाहर ज्यादा है, तो अंदर वो ठेलने की कोशिश करते हैं। तो बाहर से अंदर हवा ठेलने की कोशिश करता है पैनल के ऊपर, और अंदर धीरे धीरे प्रेशर तो कम हो ही रहा है टेम्परेचर डाउन होने के चक्कर में। तो जैसे आपका -20 आ गया, -30 आ गया, -40 आ गया, तो अंदर आपका एयर प्रेशर एकदम ही घट जाता है। तो उस टाइम पर बाहर का जो एयर प्रेशर है वो ज्यादा अंदर की तरफ प्रेशर क्रिएट करता है। इसमें क्या हो सकता है, आपका एक पॉप पैनल फट सकता है अगर लो क्वालिटी का है। अगर अच्छा क्वालिटी का पॉप पैनल आप लगा लिया तब भी क्या हो सकता है, पैनल फटने का चांसेस कम रहता है। उसमें क्या होता है, जो पैनल का जॉइंट होता है ये फट जाता है, और यहां से धीरे धीरे सेम प्लस रूम की तरह धीरे धीरे यहां से टेम्परेचर पास होता जाएगा। पहले उतना जल्दी आपको नॉलेज में नहीं आएगा, क्योंकि माइनस का चेंबर है, जहां से लीकेज थोड़ा सा रहेगा वहां पे क्या होगा, आइस जम जाएगा, यही आइस धीरे धीरे बाहर पानी पिघलता जाएगा और आपका टेम्परेचर पास होता जाएगा। आप क्या सोचेंगे, नहीं कोई लीकेज नहीं है, क्योंकि जो भी लीकेज होता है फट जाता है वहां पे, फिर दोबारा आइस जम जाता है, और वो आइस का पानी धीरे धीरे छोड़ता है और आपका कूलिंग पास होता ही रहता है। व्यूअर्स, आप लोगों के अंदर अभी काफी सारे सवाल आ रहे होंगे कि ये जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है इसको कहाँ से परचेस करें, किस तरीके से, और कौन सा दीवार पे किस पोजिशन पे इसको इंस्टॉल करें। तो एक सिंपल सा जो तरीका है, ये आपका जो कोल्ड रूम आपने जिस कंपनी से परचेस किया था, या आपका पास जो रेफ्रिजरेशन कंपनी काम करते रहते हैं, या आपका जो वेंडर है, आप उनको डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं, वो आपको इसका इंस्टॉल करके देगा।
और नहीं तो आप गूगल में जाकर टाइप करिए प्रेशर रिलीफ वाल्व फॉर कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड रूम, तो वो आ जाएगा वहाँ पर, बहुत सारे कंपनी का बहुत सारे मॉडल आ जाएगा, और उसमें से आप एक कंपनी को चूज करके उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और ऑर्डर देने से पहले आप एक चीज़ जो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो आपका जो रूम का जो डायमेंशन है, जो चौड़ाई जो है और लंबाई जो है और रूम का जो हाइट है, ये तीन माप निकाल के आप उनको प्रोवाइड करिए, ताकि वो सेफ्टी निकाल के सही क्वांटिटी निकल सके। मतलब एक रूम पे एक ही डिवाइस चाहिए या दो चाहिए या चार चाहिए, वो एग्जैक्ट क्वांटिटी वो निकल सकते हैं सेफ्टी के हिसाब से। और जरूर आप अपना कोल्ड रूम का टेम्परेचर के बारे में उनको जानकारी दें, क्योंकि -20 अगर होगा अलग, -40 के लिए अलग, और प्लस रूम के लिए वो अलग हो जाएगा, सीलिंग के लिए अलग हो जाएगा, वॉल के लिए अलग हो जाएगा। तो जो भी जो मेन काम होगा वो सही आपके लिए सही और बेस्ट जो मॉडल होगा वो उसको सर्च करना एक बड़ी बात हो। तो आप इसको जरूर प्रोवाइड करेंगे तो बाकी वो कंपनी कर लेगा, वो जो प्रोवाइड करेगा आपको कि आपके लिए ये वाला मॉडल सही होगा, तो आप उसको परचेस कर लीजिएगा। अब आते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में। अगर आपने ठीक इसी तरीके से आपके पास कोई मॉडल आया है या सीलिंग का आएगा, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं है सीलिंग वाला प्रोडक्ट, मेरे पास यही है इसलिए मैं इसको शो कर रहा हूँ। तो अगर इसी तरीके से आया कंपनी चाहे कुछ भी हो, अगर वॉल का आए तो आपको कुछ ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है। दो पार्ट आता है इसका, ये एक सिंपल सा पार्ट और एक मेन पार्ट। तो पहले सिंपल से पार्ट का बात कर ले, तो इसमें एक रबर का वॉशर है। इस वॉशर के साथ आप पैनल को पहले कट कर लीजिए, जैसे इसका माप है 80 mm का होल कटर से आप होल कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट 80x80 का स्क्वायर कटिंग करके या थोड़ा सा राउंड कटिंग करके, मैनुअल कटिंग करके आप इसको पैनल के साथ फिक्स कर लीजिए। यार ये जो सिंपल सा पोर्शन है इसमें एक ग्रिल है, ये ग्रिल जो है रूम के अंदर रहेगा और ये पफ के अंदर घुस जाएगा। तो ये जो पोर्शन है ये पफ के अंदर घुस जाएगा पैनल के अंदर, और ये ग्रिल रूम के साथ रहेगा। और एक चीज ध्यान पर रखिएगा, जब आप कोल्ड रूम के अंदर लोड देंगे मटेरियल, जब जो भी प्रोडक्ट आप रखते हैं उसका जब रखेंगे, ये ग्रिल दब ना जाए, ग्रिल क्लियर रहना चाहिए रूम के अंदर। ये ग्रिल का जो हवा आने या जाने का काम करेगा, इसीलिए ये क्लियर रहना चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट का बात हो गया। आप आते इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसमें देखिएगा एक तार है, इसका मतलब इसके अंदर एक हीटर है। तो क्योंकि आपका रूम माइनस का है, हीटर क्यों रहेगा, आपका जो माइनस टेम्परेचर है उसके कारण इसके अंदर आइस ना जम जाए, और अगर आइस जम गया तो इसका जो मेन काम है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि इस पार्ट में दो विंडो टाइप का काम करते हैं, एक विंडो जो है वो अंदर से खुलता है, मतलब रूम का अंदर का हवा इसमें से निकल जाएगा, और दूसरा जो विंडो है ये बाहर का हवा अंदर आएगा, वो इस तरह यहां से हवा जाएगा उधर से निकल जाएगा। मतलब ये दो जो विंडो दिख रहा है यहाँ पे देखिए, तो एक होगा रूम का हवा बाहर जाने का, और एक विंडो बाहर का हवा अंदर आने का, रूम के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से तो प्रेशर मेंटेन होगा, तो इसीलिए ये विंडो को थोड़ा ध्यान रखते हुए सिंपल सा, ये जो आपका इस प्रोडक्ट में एक नाम है फार्मोड, तो ये जो फार्मोड लिखा हुआ है ये अप साइड में रहेगा दीवार पे, ये अप साइड में रहेगा। देखिए यहाँ पे स्टिकर है, तो ये अप साइड में रहेगा, तो आपका विंडो जो है वो अपने आप सही आ जाएगा। ऐसा घुमा कर नहीं लगाना है, सीधा जो नाम है इसको ऊपर रखना है, ताकि अंदर का जो विंडो है वो अपने आप सही जगह पर आ जाए। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा है ये जो पावर देने का जो तार है, इसमें आपको ऑल टाइम के लिए पावर चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 घंटा 4 घंटा, ऐसा नहीं है, ऑल 24 घंटे के लिए आपको इसमें पावर देकर रखना पड़ेगा, ताकि इसमें हीटर में आइस ना जम जाए। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कई बार क्या होता है, डिवाइस तो लगा लेते हैं, ये कनेक्शन नहीं देता, ठीक है, तो उसके कारण ये डिवाइस कोई काम नहीं करता, ये जो वाल्व है ये कोई काम नहीं करता अगर आप पावर नहीं देते, क्योंकि इसके अंदर आपका आइस जम जाता है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा डिवाइस लगा के भी। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में, तो इसको किस पोजीशन पे इंस्टॉल करेंगे। पहले आपका रूम के अंदर जो इवेपोरेटर है, वो इवेपोरेटर से जो हवा निकलता है, तो जो एयर फ्लो है, एयर फ्लो मान लीजिए पूरब के साइड में आपका मशीन है, जो इवेपोरेटर या इंडोर यूनिट जो मशीन है वो पूरब के साइड में है, तो वो हवा जो एयर फ्लो है वो पश्चिम की ओर जा रहा है। तो ये जो सर्कुलेशन सिस्टम है पूरब से पश्चिम लेके, तो इस एयर फ्लो के लाइन पे आपको कोई डिवाइस नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि हवा अगर पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, जाकर जिस दीवार में टकरा रहा है वहां पे इस डिवाइस को कभी लगाना नहीं है, या जो इंडोर यूनिट जो हवा खींच रहा है उस दीवार पे भी नहीं लगाना है, ठीक है। और अगर सीलिंग वाला भी मॉडल आपके पास आता है, आप खरीदते हैं, तो ये जो एयर फ्लो का जो ट्रैक है इसी लाइन पे सीलिंग पे भी नहीं लगाना है,
स्ट्रैप छोड़ के लगाना है, अगर सीलिंग वाला है तो एक साइड पे या एक कॉर्नर पे लगाना है, कभी भी स्ट्रैप पे नहीं लगाना है। जिस लाइन पे एयर फ्लो हो रहा है उस सर्कुलेशन लाइन पे इस सेफ्टी वाल्व को लगाना नहीं है। इसके बाद आते हैं कि लगाएंगे कैसे, फिर ये लगेगा आपका जो मशीन का जो साइड होता है, दोनों साइड आप डिग्री का बात करें तो जो एयर फ्लो है उसके साथ 90 डिग्री में आप इस डिवाइस को लगा सकते हैं। जो मशीन है उसका लेफ्ट साइड या उसका राइट साइड, ना उसका फ्रंट में ना उसका बैक साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में आप लगा सकते हैं। और मशीन का जो इंडोर यूनिट है उसका जो लेवल है उस लेवल के नीचे लगाना है, उस लेवल के ऊपर नहीं, उस जो हवा जो थ्रो कर रहा है जो एयर फ्लो जा रहा है उस लेवल के नीचे लगाना है। ठीक है, आप लगाएंगे कहाँ, मशीन का लेफ्ट साइड या मशीन का राइट साइड में लगाना है आपको, और उस मशीन का लेवल मेंटेन करके थोड़ा सा नीचे लगाना है इसको, और जितना हो सकता है इस मशीन से थोड़ा सा दूर रखें, जितना हो सकता है थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करें, चाहे सीलिंग वाला मॉडल हो या वॉल वाला। ऑप्शन नहीं है तो पास लगाइए, अगर ऑप्शन है थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करिए। और ये जो डिवाइस है क्योंकि ये हर जगह पर मिलता नहीं है और थोड़ा कॉस्टली भी आता है, इसका दाम आप मान लीजिए 3,000 से लेकर आप तो 15,000 तक जाता है, तो ये थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए इसका सेफ्टी के लिए, ये जो आपको प्रेशर रिलीफ वाल्व इसका सेफ्टी के लिए आप 200 MA का एक फ्यूज लगा सकते हैं, जिसमें इसका थोड़ा सा लाइफ बढ़ जाएगा कि ऑटो कट के चक्कर में आपका सेफ्टी, इसका जो हीटर है ये जल ना जाए या तार जल ना जाए, इसलिए आप इसका सेफ्टी के लिए, इस डिवाइस का सेफ्टी के लिए, मतलब ये जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है इसका सेफ्टी के लिए आप एक 200 MA का एक आप फ्यूज यूज कर सकते हैं, जो इसके लिए बेहतर